शांति आज की तारीख है बीस चार चौदह और आज हम April फिर से 2014. अपने प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्त बाप दादा की ज्ञान मुरली सुनेंगे sweet, sweet तो रिवाइज कोर्स की तारीख है बावीस सतहत्तर सेवेंटी सेवन की मुरली है और आज की मुरली so का शीर्षक है सितारों की दुनिया का रहस्य एक है प्रकृति के पांच तत्वों में जो आकाश तत्व है उस आकाश तत्व में चमकने nature, वाले सितारे और दूसरे इस सृष्टि के ऊपर स्वयं परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे ज्ञान सितारे Supreme जो कि हम सभी ब्राह्मण बच्चे हैं तो सितारों की दुनिया as का रहस्य children. तो आज बाबा so, हमें Baba सितारों की दुनिया की विषय nice में बहुत अच्छी अच्छी राजभरी बातें बता रहे हैं तो बाप दादा कहते हैं कि आज बाप दादा टुडे सर्व सितारों को चमकते हुए रूप में देख रहे हैं आ, सितारे जब चमकते हैं तो आसमान भी कितना सुंदर लगता है और सितारे भी बड़े प्यारे लगते हैं तो बाबा भी आज अपने चमकते हुए so, सितारों के रूप में बच्चों को देख रहे हैं stars, चमकते India's सब सितारे हैं, लेकिन चमकने में भी नंबर है कभी आसमान में ध्यान से देखा होगा तो हर सितारे की चमक अपनी अपनी है। sky, हर सितारे एक जैसे नहीं notice, चमकते तो बाबा कहते हैं यहाँ पर भी हर सितारों की चमकने की Do not जो अपनी in the same शक्ति way. है वो your अपने team, अपने नंबर से है। सितारों की दुनिया अर्थात अपनी दुनिया देखी है बाबा कहते हैं सितारों That की is... दुनिया माना मैं कोई आसमान के सितारों की बात world? नहीं कर रहा हूँ लेकिन तुम ब्राह्मण बच्चों की अर्थात ज्ञान सारे जो चैतन्य है तो बाबा कहते हैं क्या आपने अपनी दुनिया देखी है सितारों की दुनिया का गीत गाते हैं, लेकिन वो कौन से सितारों की दुनिया है जिसका गायन आसस, है इस रहस्य को own आप सब जानते हो हर सितारे का अपना stars, अपना प्रभाव है और हर सितारा अपना अपना प्रभाव stars, दिखाता है सितारों के of. आधार पर so जन्म पत्री और भविष्य बताते world, है। जो हैं जो ज्योतिष विद्या में प्रवीण है वो क्या you? करते हैं सितारों को ग्रहों को देखते the हुए और फिर जन्म भी बनाते हैं और भविष्य भी सुनाते हैं तो बाबा कहते हैं stars. महिमा और गायन आप सितारों का so है तो सिता, आप सितारों के आधार पर जन्म और भविष्य बताते हैं क्योंकि हम हैं ही सभी को नया जन्म देने वाले और जन्म देने के पश्चात उनकी भाग्य की रेखाएं खींचने वाले और फिर उनके भविष्य को सुनाने वाले या so, बताने वाले तो जन्म पत्री और भविष्य बताते हैं चैतन्य तो रूप में आप ज्ञान सितारे सारे कल्प के आत्मा की जन्म पत्री के आप आधार मूर्त हो कितनी इतनी बड़ी भारी बात बाबा बता रहे हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे नशे की यह बात बता रहे हैं कि सारे कल्प के हर आत्मा Baba की जन्म पत्री जो बनती है उनके आधार में बाबा कहते हैं आप हो बराबर बात है क्योंकि ब्रह्मा के We द्वारा हम ब्रह्म फिर हम ब्राह्मणों के द्वारा अलग 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 बिरादरिया बनती जा रही है और हर बिरादरी के अंदर कोई लेते ही हैं। तो उनकी जन्म का आधार कौन हुआ मूल में जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है उन ब्राह्मणों के आधार पर वो so पूरी दिल के भविष्य की गाथाएं चलती हैं Brahma, तो ज्ञान प्रकारों के श्रेष्ठ जन्म और वर्तमान जन्म के आधार पर प्रारब्ध के जन्म ज्ञान सितारों के श्रेष्ठ जन्म हमें ज्ञान सितारे हमारा है श्रेष्ठ संगम युग पर शिव वंशी प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली जन्म हमारा और वर्तमान जन्म के आधार पर फिर हमारा वर्तमान यह जो जन्म है द्विज जो बने हैं हम उसके आधार पर हमारे प्राप्त के जन्म यानी हमारे फिर भविष्य के जन्म अर्थात पूज्य पद के जन्म पूज्य पद के आधार पर पूज्य के वर्षिप. आधार पर पुजारी के जन्म जितने हम यहाँ पूज्य होंगे उतना हम भक्ति मार्ग में पुजारी भी बनेंगे और पूजा भी करेंगे way, तो पुजारी के जन्म ऐसे चौरासी जन्मों की कहानी के आधार पर अन्य धर्म आत्माओं के जन्म पत्री का thoughts. आधार है बाबा कहते न सिर्फ देवी देवता धर्म के आत्माओं का आप आधार हो जन्म पत्री के But लेकिन अन्य धर्म आत्मा जन्मपत्री जन्म पत्री के आप आधार हो आपकी जन्म पत्री उन्होंने जन्म पत्री नूंदी गई है यानी वो धर्म स्थापक भी so कहाँ आते हैं जो हम देवी देवता घराने की आत्माएं हैं 84 उनके चौरासी के चक्र का जो नाटक है They या जो जीवन है उस जीवन के बीच में उनका the आना होता है पूरा ड्रामा तो देवी देवता घराने की आत्मा का ही होता है so तो उनका पाठ उस नाटक में between. बीच में आता है इसलिए बाबा says, भी कह रहे हैं उन धर्म आत्माओं की जन्म पत्री भी आपकी जन्म पत्री के अंदर नूंधी हुई है Entire आप हीरो और हीरोइन के पार्टधारी के आधार पर सारा ड्रामा नूँ हुआ है इसका मतलब क्या this हुआ जिसके नाम पर यह ड्रामा चल रहा है जिसके नाम पर ये ड्रामा में जो हीरो और so हीरोइन और उनके साथ उनके साथियों का पार्ट चलता है उस ड्रामा के अंदर इन लोगों का पार्ट है तो इसीलिए बाबा कहते हैं उनका भी सारा ड्रामा ढूंढा हुआ है आप आत्माओं का पुजारीपन आरंभ होना और अन्य आत्माओं के धर्म की स्थापना होना हमारा पुजारीपन का पाठ शुरू होता begins. है और उनकी भी धर्म आत्माओं की भी नाटक के स्टेज पर पर्दा खुलता है और उन धर्म आत्माओं की भी एंट्री होती है माना वो धर्म आती हैं, धर्म स्थापन करती है आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही ये छोटी छोटी बिरादरिया निकलती है emerges. अब हम राजा महाराजाएं तो पूज्य बहुत सतयुग में तो इन सभी की जो भी बिरादरी निकलेगी वो सारी छोटी छोटी बिरादरियों से नंबर बार हर जन्म में अलग 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 आत्माएड होती जाएंगी और बिरादरिया आगे increase. बढ़ती चली जाएंगी यादगार रूप में हद के सितारों के आधार पर भविष्य दर्शी बनते हैं और आप यादगार चैतन्य सितारों के आधार पर हद के सितारों को देख के और उनको आधार बना कर के और वह भी भविष्य दर्शी बनते हैं। माना भविष्य को बतलाने वाले वह बनते हैं, यानी ज्योतिष बनते हैं। क्योंकि इस समय आप चैतन्य सितारे त्रिकालदर्शी हो भविष्य त्रिकाल ज्योतिष क्या करते हैं पास्ट टेंस की बात बताते Talk हैं प्रेजेंट टेंस की भी बात बताते हैं और फ्यूचर की भी बात बताते तो बाबा says, कहते क्योंकि आप अभी क्या हो त्रिकालदर्शी त्रिकाल दर्शी हो हर आत्मा का भविष्य बनाने के लिए आप हुए हो तो हमारी यादगार soul. अभी जो ज्योतिष है वो तीनों कालों को <laughs> देखते हुए भविष्य बताते हैं चाहे मुक्ति दो चाहे उनको जीवन मुक्ति दो अभी हमारे हाथ में है कि हम उनका भविष्य मुक्ति का बनावे या हम उनका भविष्य जीवन मुक्ति का बनाए लेकिन जीवन मुक्ति के गेट खोलने Together के निमित्त ज्ञान सूर्य बाप के साथ साथ आप ज्ञान हैं निमित्त तो बनते हो बाबा कहते हैं भविष्य में जो जीवन मुक्ति का गेट है says, तो गेट तो भले बाबा future, खोलेंगे निमित्त तो बाबा है परंतु बाबा के साथ साथ हम बच्चे भी, भी तो हैं, बाबा अकेला अकेला तो नहीं जीवन मुक्ति का गेट खोलेगा ना बाबा अकेला जाएगा वहाँ तो हम बच्चों के साथ साथ जीवन मुक्ति में जाएगा तो बाबा कहते हैं कि तुम ज्ञान सितारे भी So, साथ में निमित्त बनते says, हो इसीलिए आपके जड़ यादगार सितारे भी भविष्यदर्शी बने हुए हैं आप भविष्य का stars, गेट खोलते हो इसीलिए अभी आपकी यादगार अभी के जो ज्योतिष है वह भी ब्राह्मण जो हैं वो भविष्यदर्शी बने हुए हैं अर्थात भविष्य दिखाने के निमित्त बने हुए हैं तो जड़ यादगार हद के सितारों is, को देखते अपना सितारा स्वरूप स्मरती में आता है तो बाबा कहते हैं आसमान के stars, जड़ सितारों को देखते हुए आपका यादगार हाँ जो आप उन हद के सितारों को देख रहे हो sky, तो आपको अपना memorial, सितारा स्वरूप चैतन्य सितारे और वो भी किसके स्वयं ज्ञान सूर्य परमात्मा के तो अपना स्वरूप स्मृति में आता है सितारों में भी अलग अलग स्पीड दिखाते different हैं। different आप देखते होंगे कि सितारे भी चलते keep रहते keep हैं moving. और उनमें भी some आप देखेंगे कईयों की स्पीड धीमी कईयों की फास्ट कई फिर गिरते भी हैं। सितारों को गिरते हुए भी In देखते हैं, sky, चक्र लगाने की स्पीड कोई की तेज गति दिखाते और कोई की धीमी गति दिखाते कोई सितारे संगठित रूप में है कोई सितारे एक दो से कुछ दूरी पर दिखाते आसमान में भी आप देखेंगे जैसे सप्तर्षि है ऐसे कई प्रकार के सितारे जो संगठन में दिखाई पड़ते हैं और well, कई सितारे एक दो से बहुत दूर दूर दिखाई पड़ते हैं कई बार कोई कोई सितारे बार बार जगह भी बदली करते हैं हाँ जो खगोल शास्त्री होते हैं वो देखते again. हैं उनको पता चलता है कि कोई कोई सितारा अपना स्थान बदली भी करते हैं और कोई उछल तारे भी होते हैं हाँ कोई कोई तारे पुछड़ी पूछ वाले भी होते हैं ये सब Our प्रकार चैतन्य सितारों की स्थिति पुरुषार्थ की स्पीड, अचल effort, और हलचल का रूप संगठित रूप में सेवाधारी वा वा सहयोगी का स्वरूप श्रेष्ठ गुणों और कर्तव्य का स्वरूप यादगार रूप में दिखाया है बाबा कहते हैं ये सारी जो जड़ सितारों की यादगार says, के रूप में जो बातें दिखाई है वो प्रैक्टिकल में बाबा कहते हैं, आप चैतन्य सितारों की स्थिति जो स्थिति में एक रस स्थित है वो सितारे स्थित है कोई कोई सितारे बहुत फास्ट स्पीड से चक्र लगाते हैं, तो यहाँ पर भी कोई कोई सितारे बहुत फास्ट पुरुषार्थ करते हैं कोई कोई अचल है और कोई कोई हलचल के रूप में है। माना स्थान बदली भी करते हैं, कोई संगठित रूप में फिर बाबा कहते हैं सेवाधारी व सर्वस्नेही व सहयोगी का स्वरूप कईयों का फिर ऐसा स्वरूप भी है जो सेवाधारी है सर्वस्नेही भी, भी है सहयोगी स्वरूप भी है फिर श्रेष्ठ गुण और कर्तव्य भी कर्तव्य में भी सभी आगे जा रहे हैं तो ये सब स्वरूप यादगार के रूप में दिखाया है ये so जो भिन्न भिन्न हमारी धारणाएं हैं उन धारणाओं के so आधार पर जड़ यादगार बना हुआ है सितारों का चंद्रमा memory. के साथ संबंध दिखाया है हमें चंद्रमा के साथ सितारे दिखाते हैं Some कोई चंद्रमा के समीप है कोई दूर है ज्ञान सूर्य की संतान होते you हुए भी संतान ज्ञान सूर्य के सभी हम लेकिन चंद्रमा के साथ उनका चित्र क्यों बना हुआ इसका भी रहस्य है चंद्रमा अर्थात बड़ी माँ ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा को कहा जाता है आ, ये तो हम सब बच्चे भी समझते हैं कि हमारी बड़ी माँ ब्रह्मा माँ है और सबसे चंद्रमा जो सारे सितारों के बीच चमकता है तो वो बड़ी ब्रह्मा माँ को चंद्रमा कहा जाता है और ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों के नॉलेज की लाइट जरूर लेते हैं लेकिन ड्रामा के अंदर पार्ट बजाने में साकार रूप में साथ आदि पिता ब्रह्मा और ब्राह्मण बाबा But कहते हैं कि चंद्रमा बड़ी ब्रह्मा माँ को कहा जाता है फिर ज्ञान सूर्य से सभी शक्तियों की नॉलेज की लाइट जरूर लेते हैं नॉलेज को भी शक्ति कहा गया है यानी नॉलेज को जब शक्ति नॉलेज में शक्ति भरती है तब वो नॉलेज लाइट स्वरूप बनता है वो नॉलेज इस लाइट कहा जाता है तो वो हम जरूर लेते हैं But लेकिन in ड्रामा के अंदर पार्ट part, बजाने में drama, साकार रूप में लेकिन हम जब पार्ट बजाते हैं played, साकार रूप में तो साथ आदि पिता और ब्राह्मणों का है तभी हमको ज्यादा साथ जब हम ब्राह्मण हैं और साथ में हमारे कौन है ब्रह्मा बाबा और ब्राह्मणों का साथ है ज्ञान सूर्य इस चक्र से न्यारा रहता है ज्ञान सूर्य तो अपने धाम में ही रहते हैं इसीलिए अनेक जन्मों का भिन्न नाम रूप के साथ चंद्रमा और ज्ञान सितारों का रहता है इसीलिए सूर्य के साथ सितारे नहीं दिखाए है लेकिन चंद्रमा के साथ सितारों का आदि से लेकर अंत तक पार्ट चलता है इसीलिए बाबा कहते हैं कि चंद्रमा के साथ सितारे दिखाई देते हैं इसी कारण यादगार चित्र में भी चंद्रमा और सितारों yourself, का संबंध है says, अपने आप से पूछो yourself, हां? बाबा कहते हैं अपने are? आप से पूछो कि मैं कौन gathering? सा सितारा हूँ संगठित रूप में सर्व के स्नेही और सदा सहयोगी बनने की स्थिति रहती है जब हम अकेले हैं, तो स्नेही सहयोगी बनने की आवश्यकता नहीं परंतु जब हम संगठित रूप में होते हैं तो वहाँ हमको सहयोग देना अति आवश्यक होता है और सहयोग वही दे पाता है जो स्नेही होता है और जो स्नेही होता है so, वही सहयोगी बन पाता है तो इसीलिए बाबा कहते हैं संगठित रूप में सर्व के स्नेही और सदा them. सहयोगी बनने की स्थिति रहती है अब ये हमको चेक करना है कि हमारी संगठन में स्नेही सहयोगी बनने की स्थिति है अर्थात हम स्नेह सहयोग देते हैं वह संगठन में स्वभाव संस्कार स्थिति बदल लेते हैं Change. स्नेह सहयोग के बजाय अपने स्वभाव संस्कारों के वश जो हमारी ओरिजिनल स्थिति है वो हम बदल देते हैं अर्थात स्थान बदल लेते मना हमने जगह बदल दी सदा चमकते हुए विश्व को रोशन करने so, वाले सितारे us, हो तो बाबा पूछ रहे हैं सदा चमकते हुए विश्व को रोशन करने वाले are सितारे हो वह स्वयं को स्वयं भी नॉलेज की लाइट और याद की माइट दे नहीं दे नहीं सकते हो ऐसे तो नहीं कि like कहीं आप स्वयं भी स्वयं को न लाइट, लाइट दे पाते हो न माइट दे पाते हो तो कहीं ऐसे सितारे तो नहीं अब जब अपने को ही हम लाइट माइट नहीं दे पाते तो हम विश्व को तो कहाँ से world? दे पाएंगे अन्य आत्माओं की लाइट और माइट के आधार पर तो ठहरे हुए नहीं हो बाबा कहते ऐसा तो नहीं कि कहीं आप अन्य आत्माएं आपको जब लाइट दे माइट दे तब आप चलो कहीं उनके आधार पर तो ठहरे हुए नहीं हो सदा स्वयं को दर्शी में स्थित रखते हो तो ऐसे तो अपने आप को चेक करो सुनाया था ना कि तीन प्रकार you के सितारे हैं। एक है सदा लकी सितारे दूसरे हैं सदा सफलता के the सितारे, the सितारे और तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे तो सभी ने नोट किया और सब चेक so, करेंगे you, कि मैं लकी सितारा हूँ या सफलता का सितारा हूँ या मैं उम्मीदवार सितारा हूँ अब आप कहेंगे कि हम कैसे पहचाने स्वयं को तो अभी बाबा हमें उनके लक्षण भी सुना रहे हैं कि उनमें कौन से लक्षण होंगे जिससे आप पहचानोगे कि हम कौन से सितारे हैं तो अपने से पूछो Yourself, तीनों में से मैं कौन अपने आप को जानते हो Do ना कि मैं yourself? कौन हूँ पहली Do तो Bama? हल कर ली है ना? स्वयं ही स्वयं को जज करो समझा अच्छा आज मुरली चलाने नहीं आए बाबा, बाबा कहते आज मुरली चलाने नहीं आए हैं, मिलने के लिए आए हैं। बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए हैं। ये मिलन ही कल्प कल्प की नूंद है और ये मिलन भी हमारा कल्प as कल्प memorial, की नूंद करने वाला meeting, है इस मिलन की यादगार जगह जगह पर अनेक ways. रूपों से मेला मनाते हैं हाँ और a ये a मिलन भी कितना यादगार bear, है जो जगह जगह पर हाँ बड़े बड़े रूप से अर्ध में कुंभ मेला कुंभ मेला हर उत्सव में मेला मिलन मनाना तो जगह जगह पर मेला मनाते हैं अच्छा सदा बाप से मिलन मनाने वाले संकल्प बोल और कर्म में सफलता के सितारे deeds, सदा बाप को साथी बनाने वाले समीप सितारे हर संकल्प से विश्व को लाइट और माइट देने वाले सदा चमकते हुए सितारों बाप को दादा, बाप लग, दादा का याद प्यार और नमस्ते वी हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को लग, याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते अब बाप दादा कुछ पार्टियों से बात कर रहे हैं सदा स्वयं को हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को हर कर्म करते हुए तन के भी धन के भी प्रवृत्ति के, के भी ट्रस्टी समझ कर चलते हो चाहे कोई भी कार्य करते हो तन का करो चाहे धन का व्यवसाय का करो या कोई भी प्रवृत्ति करो लेकिन स्वयं को ट्रस्टी समझ कर चलते हो ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है एक शब्द में a कहें a तो ट्रस्टी word, अर्थात ट्रस्टो तो मोहा वो हर कर्म करेगा लेकिन कर्म की trustee किसी भी फल में उसकी आशा नहीं रहेगा कि मुझे उसकी action, रिजल्ट में मान मिले शान मिले मेरी महिमा हो मेरा गायन हो praised, मुझे ये मिले मुझे status, वो मिले नहीं इसी प्रकार धन कमाएंगे लेकिन धन Similarly, मैं अपने लिए कमाऊँ मैं अपनी तिजोरी में रखूं बैंक भरूं, self, नहीं धन का भी जैसे जैसे धन मिलता bank, जाए no. उसका वो दान पुण्य करता wealth, चला जाए इसी प्रकार प्रवृत्ति भी करे actions. परन्तु प्रवृत्ति को भी मेरी समझ के न करे क्योंकि प्रवृत्ति में हम देह सेहत देह के सारे संबंधी आते हैं मेरे जो भी मित्र संबंधी वो मेरे जो भी मेरा जड़ चैतन्य पदार्थ है mine. वो भी सब मेरे तो ये मेरा मेरा जो है मेरा मेरा समझ के न प्रवृत्ति संभाले लेकिन ये सारी मेरी प्रवृत्ति वो किसकी है किसको सब कुछ सौंपा हमने सब कुछ बाबा का है जो कुछ मेरा mine, है you, वो तेरा है you, और जो तेरा mine. है वो no, मेरा है ऐसा नहीं हाँ उसकी जो शक्तियाँ हैं गुण हैं उसने जो हमको दिया Baba है वो जरूर मेरा है लेकिन हम But कहें कि जो बाबा आपका धन है वो भी मेरा धन है जो आपकी प्रॉपर्टी है स्थूल no, वो सब मेरी Baba है नहीं बाबा कहते ट्रस्टी बन करके रहो ट्रस्टी अर्थात नष्टो मोह ट्रस्टी का किसी में भी मोह नहीं होता न जड़ पदार्थों में न घर ऑफिस धन न चैतन्य पदार्थ या चैतन्य वस्तुएं हाँ ये मित्र संबंधी मेरा मेरा जो रहता है ना ये भी नहीं क्यों, क्यों मेरा पन mind. नहीं है मेरे में मोह जाता है। मेरा शब्द मोह की निशानी है परन्तु में no देह तहत देह की मित्र संबंधी और देह की दुनिया के सारे जड़ चैतन्य पदार्थ और व्यक्ति वस्तुएं प्राणी जानवर पशु पक्षी सब service. आ जाते हैं उसमें तो मेरे में मोह जाता है जो भी प्रवृत्ति के अर्थ साधन मिले हुए हैं व सेवा के अर्थ संबंध होता है उसमें मेरापन नहीं बाबा, बाबा कहते हैं जो भी प्रवृति के अर्थ साधन मिले हैं हाँ वो तो बहुत सारे साधन है घर के अंदर एक एक चीज देख within लो एक एक चीज हमारी साधन है फिर service, उस वह सेवा के अर्थ हमारा जो संबंध होता है हमारे जो भी प्रवृत्ति में सदस्य हैं उनकी सेवा में हमारा संबंध आता है उसमें मेरापन नहीं लेकिन बाप दादा की दी हुई अमानत समझकर सेवा करेंगे व साधनों को कार्य में लगाएंगे तो सहज ही ट्रस्टी बन जाएंगे जितने साधन हमारे हैं जिसको हम कहते हैं ये, ये मेरा ये मेरा ये मेरा उसको हम कहा लगाएं? ईश्वरीय सेवा में लगाते चले जाएं। जितना लगाते जाएंगे उतने नष्टो मुहा ट्रस्टी अर्थात मैं पन समाप्त और बाबा बाबा words, ही मुख से निकले ये सब कुछ किसका बाबा का मेरा नहीं ऐसी स्थिति है बाबा कहते ऐसा स्वयं को तैयार किया है या जिन साधनों को कार्य में लगाते हो उसमें मेरेपन का भान है। या फिर जो भी सेवा में लगाते हो उसमें आपका मेरे पन का अंदर भान है कि ये मेरी चीज है मैंने सेवा में लगाई है is मेरा is पन है mind, तो देह भान आता है अगर तन के If भी ट्रस्टी है, है तो देह का भान नहीं सकता मैंने इतना तन लगाया मैंने conscious. इतना दिल से सेवा की मन से सेवा की मेरे मन से सेवा की मेरे मेरे दिल से सेवा की तो ये भी मेरापन है नहीं बाबा का है और बाबा ने करवाया और मैंने किया और कराया भी बाबा ने तो ऐसे देह का भान नहीं रखना है लेकिन ऐसे विदेही स्थिति यानी ट्रस्टीपन की स्थिति में कार्य करना है जब से जन्म हुआ हम ब्राह्मणों का जब से जन्म हुआ तो पहला that, वायदा क्या किया सभी याद करो, जो मेरा, सो का. क्यों? हमने पहले ही बाबा को क्या कहा बाबा तू मेरा मैं तेरा तो मैं में सब कुछ आ गया ना? मैं में मैं मेरा शरीर भी आ गया कर्मिंद्री आ गई मेरे साथ जो भी मित्र संबंधी पुरानी दुनिया पुरानी दुनिया के पदार्थ so सब कुछ आ गया तो मर्जी व हो गए ना फिर मेरा so, पन कहाँ से आया दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती mind, आ, बाबा कहते हैं हम बच्चे क्या करते हैं दी हुई चीज वापस ले लेते हैं थोड़ा समय हम बाबा का बाबा का बाबा तेरा बाबा तेरा ट्रस्टी बन के चलते फिर विस्मृति को प्राप्त हो जाते फिर हम वापस अपनी मेरेपन की मोह की स्थिति में आ जाते so, says, तो बाबा कहते Never हैं कि दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं ली जाती so, तो सदा दे अभिमानी बनने का अर्थात नष्टो मोहा बनने का सहज साधन क्या हुआ मैं ट्रस्टी हूँ आ, बाप दादा ने so क्या सम्मान दिया कि मैं स्पष्टी हूँ कल्प पहले trustee. के यादगार में भी अर्जुन का जो यादगार दिखाया है उसमें अर्जुन, अर्जुन को मुश्किल कब लगा जब मेरा When पनाया मेरा खत्म तो नष्टो मोहा अर्थात सिमरती स्वरूप हो गए पहले उसने युद्ध स्थल में देखा तो सामने उसने किसको देखा युद्ध करने वाले भाई ये तो मेरे मामा चाचा गुरु पिता सब अपना तो उसको मेरा पन आया तो फिर बोला कि मैं कैसे मारूं इनको ये तो सब मेरे अपने हैं तो वो युद्ध कर न सका लेकिन जब उसने मेरापन खत्म किया नष्टो मोहा बना और सिमर्ति स्वरूप हो गया तब जा कर के वह युद्ध करके विजयी हो सका तो मेरा खत्म तो नष्टो मोहा अर्थात स्मृति स्वरूप हो गए मेरा पति मेरी पत्नी home, मेरा घर children, मेरे बच्चे shop. मेरी My दुकान मेरा दफ्तर ये मेरा मेरा सहज को difficult. मुश्किल कर देता है सहज मार्ग का साधन है नष्टो मोहा अर्थात ट्रस्टी सब कुछ trustee. किसका है everything बाबा का है तो हमारा उसमें मोह भी नहीं जाएगा क्योंकि ये बाबा की अमानत है और उस अमानत को हम बाबा Baba की Baba's समझ कर यूज करेंगे तो हमारा When उसमें मोह भी नहीं जाएगा लेकिन मेरा us, समझ कर यूज करेंगे तो मोह रहेगा इस स्मृति से स्वयं और सर्व को सहज योगी, योगी बनाओ कौन सी स्मृति कि जो कुछ भी मेरा है so वो बाबा का है यानी दृष्टिपन की स्मृति हम स्वयं भी स्वयं को दिलाएं और सर्व को भी हम यही स्मृति दिला करके और उनको क्या करें सहज so योगी बनाएं स्वयं भी सहज योगी बने और अन्य को भी हम सहज योगी बनाएं अब आगे so, देखते हैं बाबा हम बच्चों को और other क्या क्या अच्छी अच्छी बातें जो हमारे अंदर कमी है उसको भरने के लिए बताते हैं आगे बाबा कहते हैं कि वैरायटी स्थानों से आते हुए इस समय सब मधुबन निवासी हो उस समय तो हम सब अपने को क्या समझते जब हम मधुबन में होते हैं, तभी समझते मधुबन निवासी या फिर हम जब अपने अपने अन्य स्थानों पे भी रहते हैं मधुबन के अलावा तो वहाँ पर भी क्या हम अपने को मधुबन निवासी समझते, समझते हैं तो बाबा भी पूछते हैं कि आप अपने को मधुबन निवासी समझते moment, हो इस समय अपने को गुजराती पंजाबी यूपी निवासी तो नहीं समझते हो मधुबन में हम क्या समझते हैं हम सब ब्राह्मण हैं हमारा ये ईश्वरीय परिवार है हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है वहाँ तो हम गुजराती हो पंजाबी हो ये नहीं समझते सदैव अपने को परम धाम निवासी व पाठ बजाने के लिए मधुबन निवासी समझो मधुबन निवासी समझने से क्या होगा बाबा कहते हैं नशा व खुशी रहती है। मधुबन निवासी है बाप दादा की पालना में है बाप दादा की छत्र छाया में तो मधुबन में कितनी भी तकलीफ में हो, फिर भी यहाँ रहना पसंद करते घर में भले डनलप के गदेले पर हो फिर भी यहाँ अच्छा लगता क्योंकि मधुबन निवासी बनने से ऑटोमेटिकली सहज और निरंतर योगी बन जाते हैं। मधुबन की महिमा भी है मधुबन और मधुबन की मुरली मशहूर है इसलिए मधुबन में आना मधुबन सभी पसंद करते हैं मधुबन मधुबन में कौन पसंद नहीं and करेगा जाना तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझकर चलना Constantly तो सहज योगी की स्थिति रहेगी मधुबन याद, याद, तो याद आने से स्थिति सदा खुश हो जाएगी, मधुबन याद आया तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हो समर्थ संकल्प का अनुभव याद आने से समर्थ हो जाएंगे घर नहीं, so नहीं जाते home, हो पर कहा जाते हो तो सेवा स्थान पर जाते हो बाबा कहते आप हो मधुबन निवासी इसीलिए आप मधुबन से कहाँ जाते हो घर नहीं जाते हो वापस जाते हो तो क्या समझो सेवा स्थान पर जाते हो घर में जाकर भी अगर पढ़ाई और बाप घर में जाकर भी अगर पढ़ाई और बाप service, तथा सेवा याद रहे तो खुशी और नशा रहेगा अगर यही बात वहाँ भी याद रखो मधुबन से जाने के पश्चात तो बाबा कहते हैं खुशी भी रहेगी मिलेगी father, नशा भी रहेगा सदा बाप को साथी बनाने वाला सदा नशे India, और खुशी में अटल रहेगा सदा बाप और constantly सेवा इसी स्मृति में रहो तो समर्थ रहेंगे स्थिति सदा अटल रहेगी अच्छा अब बाबा एक बहुत जरूरी बात बताते हैं हम सभी को बहुत ही अच्छी लगेगी और लगती है जब किसी भी प्रकार says, का पेपर आता है हाँ तो अक्सर क्या होता है बाबा के कई बच्चे मेजोरिटी बच्चे घबरा जाते हैं तो बाबा कहते हैं so कि घबराओ नहीं क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि ये क्यों आया मेरे पास ही क्यों आया क्यों आया ये नहीं करो इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो क्यों क्वेश्चन मार्क खत्म करो और फुल स्टॉप लगाओ मार्क्स बाबा कहते पहले तो ये काम करो कि उसको फुल स्टॉप लगाओ तब तुम्हारा क्लास चेंज होगा जब तक फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो हम तीसरी से चौथी में कैसे जाएंगे दसवीं से ग्यारह में कैसे जाएंगे? तो ये फुल स्टॉप लगाना माना हमारे पेपर की रिजल्ट ये रिजल्ट तो हम सभी को चाहिए आ, तो बाबा Those कहते फिर क्लास चेंज कैसे होगा फुल स्टॉप देने full वाला फुल पास होगा क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की देख to स्टेज देखते हुए न देखो सुनते हुए न सुनो आ, कई बातें हैं जो नहीं देखनी चाहिए फिर भी बच्चे देखते रहते हैं क्योंकि आदत पड़ी हुई है टीवी देखते रहेंगे नेगेटिव बोलने वालों को देखते रहेंगे नेगेटिव दृश्य देखते रहेंगे पोस्टर्स देखते रहेंगे सुनते हुए न सुनो कई ऐसे गीत कई ऐसे दृश्य जो उनको सुनाते हैं तो Listen सुनते रहते बाप का सुनाया says, हुआ सुनो बाप ने जो दिया है वो देखो given इसी प्रैक्टिस से फुल पास होंगे पेपर में पास होने the की निशानी है आगे बढ़ना फॉरवर्ड That अर्थात चढ़ती कला का अनुभव करेंगे अतिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे a a सर्व प्राप्ति का अनुभव बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली होता रहेगा अच्छा आज का सतगुरु बाप Today's दादा के द्वारा वरदान निमित्त और निर्माण भाव से, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है जगत में भी आप देखेंगे जो जितना नम्र चित्त होता है ना, उसकी विजय होती है सभी उसके आगे झुकते हैं। तो अगर किसी को झुकाना है तो हमें पहले नम्रता us, से झुक करके बात, से बात करनी है। अर्थात सामने से हमें उनको बुलाना है बात करनी है ऐसे नहीं कि वो मुझे नहीं बुला तो मैं क्यों बुलाऊं? उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया मैं क्यों लू उसने मुझे ओम शांति नहीं किया गुड मॉर्निंग नहीं किया वेलकम नहीं किया मैं क्यों नहीं बाबा कहते हैं निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है स्लोगन के रूप so में लिख के नोट करके रखो किसी भी सेवा में सफलता <laughs> प्राप्त करने के, success, के लिए नम्रता service, भाव और निमित्त भाव धारण करो इससे सेवा में सदा मौज By का अनुभव so, करेंगे सेवा में कभी थकावट भी नहीं होगी service, इस प्रकार सेवा करेंगे तो थकावट भी नहीं होगी कोई भी सेवा मिले no लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे कौन सी दो विशेषता निमित्त हूँ और नम्र चित्त हूँ नम्रता निर्माणता में मुझे रहना है अच्छा आज का स्लोगन है सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो क्या हो सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो बड़ी भारी बात बाबा ने बताई है तो सूर्य में आ जाएंगे अगर सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं सेकंड में फुल स्टॉप करना नहीं आता और आत्मिक स्थिति में स्थित होना नहीं आता और एक सेकंड में बाप को याद a करने a second, नहीं and लग and जाते तो बाबा कहते second, हैं सूर्योषी घराने में नहीं आ सकते, नहीं आएंगे अतः सेकंड में मैं व्यर्थ को स्टॉप करूं और मैं हो point कर, point of बिंदी होकर बिंदी रूप बाबा को Bama. याद करूं But तीन बिंदी footstop, लगा दूं ड्रामा को ड्रामा की बिंदी मैं आत्मा हूँ आत्मा रूप बिंदी Supreme और Father, परम पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदी है परंतु समय But कितना लगाना है एक सेकंड ओनली एक सेकंड में ये तीन so बिंदी हमें कर लेगी थ्री पॉइंट अच्छा वन सेकेंड शांति शांति